हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रसोई किचन। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल यूपी का फेमस गजर बत्ती की रेसिपी शेयर करूंगी, जो फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है। दिल्ली में भी फ्रेंड्स ये मीठा बहुत ही पॉपुलर है। चलिए फ्रेंड्स टेस्टी से गजर बत्ती की रेसिपी शुरू करते हैं। गजर बत्ती बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर को अच्छे से वॉश करके छील कर कद्दूकस कर लिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई में देसी घी ऐड कर देते हैं। मैं अपने गाजरों की अकॉर्डिंग घी ऐड कर रही हूँ, आप अपने गाजरों के अकॉर्डिंग घी ऐड कर दे। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप इसको डालडा में, रिफाइंड में, किसी में भी बना सकते हो। घी हमारा फ्रेंड्स अच्छे से गर्म हो चुका है। 3 लिए मैंने छोटी इलायची, 3 लिए लौंग, ये ऐड कर देते हैं। इलायचियों का मैंने मुंह खोल लिया है जिससे कि अच्छा सा फ्लेवर आए। वैसे वक्त में इलायची को क्रैकल होना देते हैं थोड़ा सा। इलायची हमारी फ्रेंड्स अच्छे से क्रैकल हो चुकी है। गाजर ऐड करना, सारी गाजरों को फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया गैस का फ्लेम मीडियम है। 1 से 2 मिनट के लिए गाजरों को घी में अच्छे से भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स गाजरों को घी में भूनते हुए। ये देखे गाजरों का कलर भी चेंज हो चुका है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने आधा कप बासमती चावल ले लिया। चावलों को मैंने बीन कर साफ कर आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। इस रेसिपी में बासमती चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। चावल आप अपने हिसाब से कमी या ज्यादा कर सकती हो। चावल ऐड कर देते हैं। 1 कप लिया है फ्रेंड्स मैंने फुल फैट क्रीम दूध ऐड कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे गजर भत्त को जब तक पका लेते हैं जब तक अच्छे से चावल और गाजर सॉफ्ट नहीं हो जाती। बीच बीच में फ्रेंड्स गाजरों को चलाते रहें जिससे कि गाजर नीचे तले में लगे नहीं। ढककर चावल और गाजरों को सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स गाजरों को पकते हुए, चेक कर लेते हैं। बीच बीच में मैंने गाजरों को चला दिया था जिससे कि लगे नहीं। ये देखें चावल भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और गाजरे भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। मैं फ्रेंड दूध डाला था वो भी सारा ड्राई हो चुका है। ये फ्रेंड्स गजरेला नहीं है, गजरेला को खीर की तरह दूध में पकाया जाता है। ये गजर बत्ता है, यूपी के लोग इस गजर बत्ते को बहुत ही पसंद करते हैं। अब फ्रेंड हम चीनी ऐड कर लेते हैं। तो आधा कप भर के मैंने चीनी ली है। चीनी चावल के गलने के बाद ही हमें ऐड करनी है, नहीं तो चावल अकड़ जाएंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। चीनी को फ्रेंड्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, जब तक चीनी का पानी सारा ड्राई ना हो जाए जब तक और पकाना। दिल्ली में भी फ्रेंड्स ये गजर बत्ता बहुत ही फेमस है। हर घर में ये मीठा विंटर में बनाकर खाया जाता है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पे जब तक पका लेते हैं जब तक सारे चीनी का पानी ड्राई नहीं हो जाता। चलिए फ्रेंड चेक कर लेते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हुई है नहीं। ये देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ड्राई भी हो चुकी है। 1 से 2 मिनट तक मैं और पकाऊंगी। इसमें फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट नहीं डाले जाते मगर मैं डाल लगी, मुझे ड्राई फ्रूट पसंद है इसलिए। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। काजू और बादाम मैंने ऐड किए हैं और फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर देते हैं ऊपर से, इससे गजर बत्ता का इनहेंस होकर आएगा। मिक्स कर लेते हैं। गजर बत्ता को सर्व करने का तरीका भी फ्रेंड्स बिल्कुल अलग है, मैं आपको आगे बताऊंगी इसको कैसे सर्व किया जाता है। मैंने फ्रेंड्स इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऊपर से ऐड किया है, अगर आप चाहो तो वो स्किप भी कर सकते हो। ये देखे 1 से 2 मिनट तक मैंने गजर बत्ता को और पका लिया है। बहुत खुशबूदार महकदार गजर बत्ता बनकर हमारा तैयार है। मैं आपको शॉक करके दिखाती हूँ। दिल्ली फेमस फ्रेंड्स गजर बत्ता बनकर हमारा तैयार है, बहुत ही मजेदार खुशबूदार बनकर तैयार हुआ है। थोड़े से फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं गजर बत्ता को। काजू और बादाम से गार्निश किया है मैंने। आप इसको फ्रेंड्स ठंडा करकर 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में रखकर खा सकते हो, ये खराब नहीं होता है। अब फ्रेंड्स हम गजर बत्ता को सर्व करते हैं। तो 1 कटोरी में जिसमें भी आप खाए गजर बत्ता को निकाल लें इस तरीके से। ऐड कर देते हैं दूध। खाते वक्त फ्रेंड्स दूध का इस्तेमाल होता है, आप दूध की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। बहुत ही टेस्टफुल गजर बत्ता बनने वाला है ये। थोड़े से ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड कर दें, अच्छे से फ्रेंड्स मिक्स कर लेते हैं दूध में गजर बत्ता को। ये देखिए खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मजे का गजर बत्ता बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक प्रेस करें।